तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, इसकी फिगर आपके सामने है। तो आइए पहले इसके स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी सी ई। आपको पता है हम इन दो लाइंस को पैरेलल पढ़ते हैं, तो ए बी जो है वो सी ई के पैरेलल है, ये हमें बताया हुआ है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे ए बी ये लाइन है और सी ई ये लाइन है, ये दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, एक दूसरे को टच नहीं कर रही, इसलिए इनको पैरेलल कहते हैं। तो ये ए बी भी एक पैरेलल लाइन है, सी ई भी एक पैरेलल लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइन है। इस तरह ही एक और पेयर भी है जो पैरेलल लाइंस का है। ये हमें इस बार दो पेयर गिवन है, वरना मोस्टली क्वेश्चंस में हमें जो स्टार्टिंग 10B के क्वेश्चंस थे उसमें एक ही पेयर गिवन होता था। तो यहाँ पे अब दूसरा भी है, वो है डी एफ इज़ पैरेलल टू ए सी ए सी। तो डी यहाँ से लेके यहाँ तक है डी एफ, और ए यहाँ से लेके यहाँ तक है ए सी। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, और इसको भी हम देखेंगे भी, हम इसको पैरेलल के यूज़ करते हुए इससे ट्रांसवर्सल भी बनाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपने एक्स की और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे और वाई लिखा हुआ है यहाँ पे, ये दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये शेप बोर्ड पे ड्रॉ कर ली है, तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जी ये वो फिगर है, तो ये वाला एक्स डिग्री और ये वाला वाई डिग्री हमने बेसिकली फाइंड करके दिखाना है। मैंने आपको कहा हुआ है इन क्वेश्चंस के अंदर कि आपने सबसे पहले पैरेलल लाइंस ढूंढ लेनी है। तो पैरेलल लाइंस हैं ए से लेकर बी तक ये, और सी ई, ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन हैं। इन पे एरो हेड भी डले हुए हैं, ठीक है। तो यही एरो हेड शो करते हैं कि ये इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इसी डायरेक्शन में लाइन मूव करेगी, इसलिए कभी भी कट नहीं करेंगी। आपने एक काम करना है अपनी आसानी के लिए, आपने जो ये पैरेलल लाइंस हैं इनसे जो भी लाइन कट कर रही है, इन दोनों पैरेलल लाइंस को जो भी क्रॉस कर रही है, उनमें से कुछ लाइंस को हम एक्सटेंड कर लेते हैं, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है। जैसे अगर आप देखें, ये एक लाइन है ई सी, ठीक है, जो कि पैरेलल है बी ए के, तो इस पर एक लाइन ये टच कर रही है, हम इस लाइन को खुद से एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर लिया, और यहाँ से मैं इस लाइन को भी एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आप देखें, एक पैरेलल लाइन हो गई ये, उन्होंने खुद भी बताया हुआ भी था कि डी एफ एक पैरेलल लाइन है, यानी ये पूरी एक पैरेलल लाइन है। एक पैरेलल लाइन हो गई ये, और नीचे एक पैरेलल लाइन हो गई ये, जो कि थी ए से सी तक, कि मैंने उसी को एक्सटेंड किया है, तो ए सी ही कहलाएगी। तो एक पैरेलल लाइन ये हो गई, एक पैरेलल लाइन ये हो गई, यानी ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई, और इस पर जो लाइन गुजर रही है ये क्या करेगी, रोल प्ले करेगी, ये हो गई ट्रांसवर्सल। तो अगर मुझे ये कहते हैं वैल्यू निकालनी है 4x की, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं सबसे पहले ये वाला एंगल निकालूंगा, ठीक है, जो कि इस पूरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। ये स्ट्रेट लाइन है और उस पर यहाँ से यहाँ तक एंगल 58 है, और ये वाला मैं आपको कह रहा हूँ मैंने फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो अगर आप नोटिस करें, इस एंगल का नाम पहले कुछ रख लेते हैं। इस एंगल का नाम क्या होगा, लेट से इसका नाम रख लेते हैं हम एफ डी सी, क्योंकि ये एफ डी और डी सी के दरमियान में है, तो इसका नाम रख लेते हैं एफ डी सी। तो अगर मुझे ये एंगल एफ डी सी फाइंड करना है, तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है एक, ठीक है, और उस पर जो टोटल एंगल होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, वो होता है 180 डिग्री के। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है आपके पास एक, इस पर ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं कि 58 डिग्री प्लस दिस एंगल जिसका नाम रखा हुआ है एफ डी सी, यानी एफ डी सी किसके इक्वल आना चाहिए, ये इक्वल आना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल। और इस प्रॉपर्टी का क्या नाम होता है, ये बेसिकली दो एंगल्स हैं जो एक इस तरह की रेस से कनेक्टेड हैं, तो इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एडजेसेंट कहते हैं जो ऐसे एंगल जिनका वर्टेक्स सेम हो, तो इस वाले एंगल 58 डिग्री का भी यही वर्टेक्स है और इस वाले एंगल का भी यही वर्टेक्स है। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा एंगल्स इस तरह आते हैं यहाँ पे, ये एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। होता सम इनका टोटल 180 के इक्वल ही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, तो इसलिए दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 180 के। मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 58 जो यहाँ पे एडिशन का लिखा हुआ है, जब मैं इसको दूसरी तरफ मूव करूँगा, ये सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा, बेसिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे एफ डी सी बेसिकली इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 58 डिग्री। ये जो एडिशन है ये यहाँ के सब्ट्रैक्शन में बदल चुकी है। आप ऐसे भी कह सकते हैं दोनों तरफ 58 से हमने माइनस कर दिया है। अब आपने जस्ट 180 में से 58 को करना है माइनस, तो 180 को 58 में से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 122 डिग्री। तो आपने ये वाला एंगल निकाल लिया है, जो कि कितना आ गया है 122 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ 122 डिग्री।
आप इन दोनों को ऐड भी करेंगे तो 180 पूरा हो जाएगा। इसका मतलब है आपने बिल्कुल सही कैलकुलेट कर लिया। अब इस एंगल की मदद से मैं ये वाला एंगल निकालने वाला हूँ, ठीक है। मैं इसको डिफरेंट मार्कर से हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे सी लिखा हुआ है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटा रहा हूँ ताकि आपको शो करवा सकूँ। ये वाला एंगल अब मैंने फाइंड करना है, ठीक है। ये बेसिकली सी पे है एंगल, ठीक है। तो ये वाला एंगल मैं किस तरह फाइंड करूँगा, आप देखें। अब आपके पास ट्रांसवर्सल का फिनोमेना है यहाँ पे। ये एक आपके पास पैरेलल लाइन है जिसका नाम डी एफ है, और एक ये पैरेलल लाइन है जिसका नाम ए सी है, और ये उस पर क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। आपने खुद से लाइन एक्सटेंड करके अब आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि ये एक ट्रांसवर्सल का फिनोमेना यहाँ पर हो रहा है। तो मैं यहीं पर इसको एक बार आपको दिखा भी दूँ। जैसे इस लाइन को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ये एक लाइन डी एफ है, ठीक है, और ये वो नीचे वाली लाइन ए सी है। ए सी आप इसको इसकी तरह देख लें, इससे कंपेयर कर लें, और ये एक लाइन इस पर इस तरह कट होते हुए आ रही है। तो आप देखें यहाँ वाला एंगल जो है वो कितना गिवन है, वो है 122, ये वाला एंगल, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक स्ट्रेट लाइन कट करती है, उस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल के जो इनसाइड एंगल बन रहे होते हैं, यानी उन दो पैरेलल लाइंस के इनसाइड बेसिकली, वो कहलाते हैं इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल में से एक टाइप होती थी अल्टरनेट इंटीरियर, और एक होती थी अल्टरनेट एक्सटीरियर। एक्सटीरियर कहते थे जो इन दो पैरेलल लाइंस के बाहर बने, और इंटीरियर कहते थे जो इन दो पैरेलल लाइंस के इनसाइड बने। अल्टरनेट क्यों कहते थे, अल्टरनेट इसलिए कहते थे कि एक इस वर्टेक्स के साथ बना होता था, दूसरा इसी लाइन के ऊपर दूसरे वर्टेक्स के दूसरी साइड पे होता था। तो इसका अल्टरनेट ये होता है, और अगर यहाँ पे कोई एंगल होता उसका अल्टरनेट ये होगा। तो ये दोनों डिफरेंट साइड्स पे होते हैं, एक राइट पे है तो दूसरा लेफ्ट पे है, और दोनों डिफरेंट वर्टेक्स पे होते हैं। तो 122 का अल्टरनेट एंगल क्या बनेगा, ये वाला एंगल। तो अगर आप इसी पिक्चर को यहाँ पे रख के देखें तो ये 122 है, ये वो पैरेलल लाइंस है, ये वो ट्रांसवर्सल है। तो ये 122 का अल्टरनेट किसका बनेगा, इसका अल्टरनेट क्या बनेगा, ये रेड वाला एंगल। इसका मतलब ये रेड वाला एंगल भी क्या होगा, 122, क्योंकि ट्रांसवर्सल के केस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। तो ये 122 यहाँ पे भी क्या लिखा जा सकता है, 122। तो इस एंगल का भी आपको नाम देना पड़ेगा। ये एंगल है बेसिकली डी सी ए, डी सी और सी और ए के दरमियान सी पे। तो ये इसको मैं नाम दे रहा हूँ डी सी ए, ठीक है। तो इसका मतलब डी सी ए जो है बेसिकली वो कितना है, 122 डिग्री। तो इससे 4x किस तरह निकलेगा, आप देख सकते हैं जब मैंने ये रेड ड्रॉ किया है तो ये पूरा सर्कल हो गया है। जब मैंने ये रेड वाला पार्ट ड्रॉ किया है तो ये एंगल पूरा एक सर्कल बन गया है, ये देखें। और ये इस पॉइंट के ऊपर पूरा एक सर्कल बन रहा है। तो आपको पता है एंगल एट अ पॉइंट क्या होता है, वो होता है 360 के इक्वल। अगर आपने पॉइंट पे एक एंगल निकालना है तो पॉइंट पे जो एंगल का सम होता है वो 360 होता है। ये वो पॉइंट है और ये वो पूरा सर्कल है जो कि इसके राउंड अबाउट है, यानी इस पॉइंट पे जो टोटल एंगल होगा वो 360 डिग्री होगा। तो इस पॉइंट पे उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल 4x बताया हुआ है, इतना हमने निकालना था वो हम निकाल चुके हैं। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ये जो एंगल आपने निकाला है, यानी डी सी ए, डी सी ए, इसमें अगर आप 4x ऐड कर दें, ये वो वाला एंगल है जो बाहर से लेकर इधर तक है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये 360 डिग्री के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि एंगल ऑन अ पॉइंट जो होता है बेसिकली वो होता है 360 के सम, 360 के इक्वल। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एंगल एट अ पॉइंट, ठीक है। हमने ये वैल्यू तो हमने निकाली हुई है, कितनी है, 122। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 122 प्लस 4x इक्वल टू 360। ये 122 प्लस का है, इसको वहाँ मूव करेंगे माइनस हो जाएगा, या आप ऐसे कह लें कि दोनों तरफ 122 से आपने सब्ट्रैक्शन करवा दी, सब्ट्रैक्ट करवा दिया। तो 362 में से 122 को हम क्या कर देंगे, माइनस। तो जब 360 में से 122 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 238। तो ये किसके इक्वल आएगा, 238 के। तो 4x यहाँ पे अभी मौजूद है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये आपके पास हो गया है 4x इक्वल टू 238। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ डिवाइड कर दें, या आप ऐसे कह लें कि मल्टीप्लाई 4 को वहाँ मूव कर लिया तो वहाँ जाके डिवाइड हो गया। तो ये 238 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 4 पे। तो आपका आंसर 238 को 4 पे डिवाइड करने के बाद आएगा तकरीबन 59.5 डिग्रीज, क्योंकि ये x भी किस में था, ये भी डिग्रीज के अंदर था, ठीक है। तो आपके पास x डिग्री कितना आ गया, 59.5। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, जगह कम है मेरे पास, तो ये हो गया 59.5 डिग्री। और डिग्रीज़ को डिग्रीज से कंपेयर कर लें तो आप जस्ट ये भी लिख सकते हैं कि x आ गया है 59.5।
तो ये वैल्यू हमने निकाल ली है इस तरीके से, इन सब एंगल्स को फाइंड करके हमें मदद मिली है इस एक्स को फाइंड करने के लिए। तो ये तो वैल्यू थी हमारे पास 4x डिग्री की, यानी बेसिकली x डिग्री की। तो अब हमने ये y डिग्री फाइंड करके दिखाना है। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा ये जो पैरेलल लाइन है बी ए, इस पर ये एंगल है बेसिकली, आप इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें इस तरीके से। और ये जो यहाँ पे आपने एक्सटेंड की हुई थी लाइंस, ठीक है, इसको भी आप यहाँ से एक्सटेंड कर लें ताकि आपको ये ट्रांसवर्सल जैसा दिखे, ठीक है। अब देखें ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये उस पर ट्रांसवर्सल है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये आपको पता चलेगा ये और ये पैरेलल लाइन है और ये उस पर ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये वाली वैल्यू पहले मालूम करनी है, क्योंकि अगर ये वाली वैल्यू मालूम हो गई तो वही प्रॉपर्टी जो हमने सबसे एंड पे इस्तेमाल करी है वही इस पे यूज़ करके हम वाई डिग्री भी बता सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू क्या है, इसका आप नाम रख लें इस एंगल का, ये एंगल है बेसिकली बी और ये वाला पॉइंट ए और यहाँ वाले पॉइंट तक ले लेते हैं सी। ये बेसिकली आप एंगल कह लें हैं बी ए सी, ए पे एंगल है उसको सेंटर में रखेंगे इसलिए बी ए सी। तो एक रूल था वो मैंने यहाँ पे इसी तरह ड्रॉ कर देता हूँ जिस तरह ये ड्रॉ हुआ हुआ है, तो यहाँ पे पहले बता देता हूँ। तो ये रूल ये होता है कि अगर आपके पास, लेट से मैं इसको रब कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, कि अगर आपके पास ट्रांसवर्सल है यानी दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट कर रही है जो कि ट्रांसवर्सल कहलाती है, तो उस ट्रांसवर्सल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं ना सेम साइड वाले, सेम साइड का मतलब है जैसे ये एंगल इस वर्टेक्स के साथ जुड़ा हुआ है और ये वाला इस वर्टेक्स के साथ एंगल है, तो ये दोनों एंगल्स जो हैं बेसिकली इक्वल होते हैं। एक तरह का इक्वल कहने का मतलब है सम ऑफ दीज टू एंगल्स बेसिकली इक्वल होते हैं 180 डिग्री के, यानी जो ट्रांसवर्सल के अंदर इंटीरियर एंगल्स बनते हैं सेम साइड पे, याद रखिए ये सेम साइड पे होने चाहिए, जैसे ये दोनों ही राइट साइड पे हैं लेकिन वर्टेक्स डिफरेंट होने चाहिए, ये इस वर्टेक्स से कनेक्टेड है ये इस वर्टेक्स से कनेक्टेड है, तो इन दोनों का सम हमेशा किसके इक्वल आता है 180 के। आप यही चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व करें अगर, तो ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम ही साइड पे हैं, वो अलग वर्टेक्स के साथ है वो अलग वर्टेक्स के साथ है, ये 122 है वो हमें मालूम नहीं है, तो इसका मतलब है इन दोनों का भी सम किसके इक्वल आना चाहिए 180 के इक्वल। तो रूल यही होता है कि जब भी आपका ट्रांसवर्सल में इंटीरियर एंगल्स आते हैं तो वो इंटीरियर एंगल जो सेम साइड पे होते हैं, जैसे ये इस साइड पे है ये भी इस साइड पे है, दोनों एक ही साइड पे हैं, इन दोनों का सम हमेशा 180 के इक्वल होता है। तो ये वाला एंगल कैलकुलेट करने के लिए मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहा हूँ, इस एंगल का नाम रखा हुआ है मैंने बी ए और सी, ठीक है। इसमें अगर प्लस कर दूं ये वाला एंगल यानी 122 डिग्री, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए 180 के, क्योंकि इंटीरियर एंगल जो होते हैं सेम साइड वाले ट्रांसवर्सल के केस में उनका सम हमेशा 180 के इक्वल होता है, होने सेम साइड पे चाहिए। और इसको हम लिखते हैं इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, और जिन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान है वो है एक लाइन ये हमने पैरेलल काउंट की हुई है ए बी और एक ये लाइन काउंट की हुई है सी ई। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ए बी पैरेलल टू सी ई, ठीक है। तो अगर मैंने पिछली प्रॉपर्टीज़ में ये पैरेलल लाइंस मेंशन नहीं किए हैं तो आप लास्ट भी मेंशन कर लें, जैसे लास्ट प्रॉपर्टी में मैंने जो यहाँ पे कोई अल्टरनेट एंगल यूज़ किया है डी एफ और सी ए ए सी, तो ये मैंने पैरेलल लाइंस अगर लास्ट वाली प्रॉपर्टीज में मेंशन नहीं किया है तो वो आप लास्ट भी मेंशन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये प्लस 22 है, इसको वहाँ पे मूव करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 122, या दोनों तरफ आप कह लें हमने 122 जो है ना क्या करवा दिया है माइनस, तो 180 में से आप 122 माइनस करवाएंगे तो आपके पास आएगा 58 डिग्री। तो ये आपको वैल्यू पता चल गई कि जो एंगल यहाँ पे बनता है ना ए पे, अब मैं इसको यहाँ पर मिटा के क्या लिख देता हूँ आसानी के लिए 58 डिग्री। अब ये y निकालना मुश्किल नहीं है, वही प्रॉपर्टी जो यहाँ पे इस्तेमाल की थी वही प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे कि 7y डिग्री प्लस 58 डिग्री किसके इक्वल होगा 360 के, क्योंकि मैं बता चुका हूँ यही प्रॉपर्टी यहाँ पे कि एंगल एट अ पॉइंट जो होता है टोटल वो 360 के इक्वल होता है। ये एंगल वैसे भी 180 से बड़ा है, पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है यहाँ तक, तो ये पूरा 360 के इक्वल होना चाहिए सम करने के बाद, सम करने के बाद 360 डिग्री के ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे लिख भी देते हैं एंगल एट अ पॉइंट, ठीक है। तो ये 58 प्लस है, इसको दूसरी तरफ मूव करेंगे ये माइनस हो जाएगा बेसिकली, यानी 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री हो जाएगा। तो आपको 360 में से माइनस कर देना है 58, तो आपके पास आंसर आता है 302। और यहाँ पे 7y है, यानी 7y से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 को वहाँ जाके डिवाइड कर दें या दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दें, मीनिंग सेम है। तो 302 को आप 7 पे डिवाइड करें तो ये आपके पास तकरीबन मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 43.1 डिग्री, ठीक है।
तो वाई डिग्री का आंसर आ गया है 43.1 डिग्री। डिग्रीज को डिग्री से कंपेयर करके आप ऐसे भी सिंपल लिख सकते हैं कि वाई 43.1 है। तो इस तरीके से हमने एक्स और वाई कैलकुलेट कर लिया है। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 9।